नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव न्यूज ब्रेक में, जिसमें आज दो नई गाड़ियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक जो आ गई है एक जो आने वाली है। सबसे पहले उस कार के बारे में बात करते हैं जो आने वाली है। वहां पे ज्यादा खबर नहीं है, सिर्फ एक खबर ये कि MG ने अपनी आने वाली स्मार्ट EV जो छोटी वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल वो लेकर आ रहे हैं उसके नाम का ऐलान कर दिया है और ये नाम आपको जाना पहचाना लगेगा। MG अपनी स्मार्ट EV का नाम रखने वाली है कॉमेट, और इस नाम के साथ अब प्राइस क्या है उसका हम और आप इंतज़ार ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक बहुत अलग तरह का ये प्रोडक्ट होने वाला है और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन कस्टमर्स इस छोटी EV को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे इसे एक्सेप्ट करते हैं और प्राइसिंग इसकी किस तरह से रखी जाती है, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन को एक नए लेवल पर लेके जाएगी ये गाड़ी, ये सभी सवालों के जवाब इसके लॉन्च पर ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन दूसरी जो खबर है वहां पे ज्यादातर जवाब हमको मिल गए हैं और वो है होंडा की तरफ से। होंडा ने अपनी सिटी का 2023 अवतार उतार दिया है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। एक तो चेंज वो है जो कॉमन है, हाल फिलहाल में आपने जो भी नई गाड़ियों को लॉन्च होते हुए देखा होगा उसमें आप देख रहे होंगे कि BS6 का जो सेकंड वर्जन है यानी RDE कंप्लायंस उसके साथ सभी गाड़ियां आ रही हैं। इसके अलावा जो इथेनॉल का 20% मिक्स कंपैटिबल हो इंजन के पार्ट्स, उन चेंजेस के साथ गाड़ियों को लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन सिटी में इसके अलावा भी कई सारे बदलाव आपको नजर आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव सिटी पेट्रोल के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आ रही है होंडा सेंसिंग। आपको याद होगा जो हाइब्रिड वर्जन सिटी का आया था उसमें कंपनी लेकर आई थी ADAS के फंक्शंस बहुत सारे, और होंडा सेंसिंग दरअसल ADAS फीचर्स ही हैं, चाहे वो लेन से बाहर जाने की बात हो या इमरजेंसी ब्रेकिंग की बात हो या अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल की बात हो, ये सभी जो फीचर्स होते हैं ADAS में होंडा ने डाले हुए हैं। और अब सिटी पेट्रोल के साथ भी आपको होंडा सेंसिंग यानी ADAS के फीचर्स मिलने वाले हैं। अब हम आपको इनके प्राइसेस के बारे में सबसे पहले बता देते हैं, और जो प्राइसिंग है अगर हम पेट्रोल की बात करें न्यू होंडा सिटी पेट्रोल की, तो वहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो बेस वर्जन है वो SV है 11.49 लाख, और ये टॉप एंड है 14.72 लाख। वहीं CVT वर्जन 13.62 लाख से शुरू हो रही है और 15.97 लाख तक ये जा रही है। वहीं अगर हम हाइब्रिड वर्जन की बात करें तो सिटी हाइब्रिड की कीमत शुरू हो रही है 18.89 से जा रही है 20.39 लाख तक। तो यहाँ पर इन सभी बदलावों के अलावा आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी अब सिटी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रीमियम आपको ऑडियो सिस्टम भी देखने को मिलेगा, नए कलर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चेंजेस आपको नई वाली होंडा सिटी में देखने को मिलने वाली है, और जैसा हमने कहा कि लगभग सभी सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं। लगभग इस वजह से कहा क्योंकि कैसा ड्राइव करती है, किस तरह का प्रदर्शन है वो अभी हम जांचने वाले हैं, और उसके टेस्ट ड्राइव के बाद वो रिव्यू हम रिपोर्ट अलग से लेकर आपके लिए आएंगे। फिलहाल टाइम्स ड्राइव न्यूज़ ब्रेक में इतना ही। ये वीडियो इनकेस आपके मतलब की खबर लेकर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा टाइम्स ड्राइव को, और अपने दोस्तों अपने फैमिली वालों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा जो या तो छोटी इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोच रहे हैं या एक बड़े सेडान के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल थैंक यू वेरी मच।